नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का थाने में जमकर हंगामा देखने को मिला। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बर्रा थाने में हंगामा किया है। थाने में बैठकर जमकर नारेबाजी की, जय श्री राम के नारे लगाए। भाजपा कार्यकर्ता पर मारपीट के आरोप में केस दर्ज होने पर हंगामा हुआ है। मामला दर्ज होने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस पर फर्जी केस दर्ज करने का आरोप लगाया गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है, मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से जो भाजपा कार्यकर्ता हैं थाने के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, जमकर हंगामा कर रहे हैं। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का थाने में यह हंगामा आज देखने को मिला, जहां कार्यकर्ताओं ने बर्रा थाने में जमकर हंगामा किया और थाने में बैठकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता नजर आए। तो भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का यह हंगामा, कानपुर की तस्वीरें, बर्रा थाना जहां आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता पर मारपीट के आरोप में केस दर्ज होने पर यह हंगामा हुआ। मामला दर्ज होने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। मामला दर्ज होने से नाराज नजर आए। पुलिस पर फर्जी केस दर्ज करने का आरोप कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया और पुलिस की मौजूदगी में ही जमकर नारेबाजी काफी देर तक होती रही। अब खबर उन्नाव से। तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पेड़ से टकराया, हादसे में एक की मौत हो गई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला। जेसीबी की मदद से सभी को ट्रक से निकाला गया है। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना है। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उन्नाव से खबर सामने आई है, तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर ये पेड़ से टकरा गया, एक की मौत और 5 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जेसीबी की मदद से ट्रक को निकाला। इधर कानपुर में बेकाबू कार ने सड़क किनारे बैठे 5 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कानपुर देहात के रसूलाबाद से बिलहौर की ओर कार जा रही थी। हादसे के बाद बेकाबू होकर गड्ढे में गिरी कार, बिलहौर थाना क्षेत्र के माखनपुरवा की घटना बताई जा रही है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बिलहौर की ओर ये कार जा रही थी और हादसे के बाद बेकाबू होकर जो कार थी वो गड्ढे में गिर गई। आज बिलहौर का कोने रोड पे सड़क के किनारे ये माखनपुर गांव के 2 व्यक्ति थे, सुरेंद्र सिंह और उनके साथ 2 और लोग थे, जो सड़क के किनारे बैठ के खेतों की रखवाली कर रहे थे। एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार से गाड़ी आके उन तीनों को कुचल दी है, जिसके कारण दुर्घटना में उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। बॉडी को CSC भेजा गया है, उनके परिजन आ गए हैं, मुकदमा लिखा जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। इधर मथुरा में शराब के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। ट्रक पर लदे 401 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त हुई है। पुलिस ने 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। 45 लाख रुपए जब्त शराब की कीमत आंकी जा रही है। तस्करी के लिए पंजाब से पश्चिम बंगाल ये शराब ले जाई जा रही थी। शेरगढ़ थाना पुलिस ने शराब के साथ 2 धंधेबाजों को भी दबोचा है। बड़ी कार्रवाई। और अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां मुस्लिम महिलाओं का सिर कलम करने की धमकी मिली है। शराब खरीदने पहुंची मुस्लिम महिलाओं को रोककर धमकी दी गई। मुस्लिम होकर शराब खरीदने से हिंदुओं में बेइज्जती हो रही है, ये कहा गया। मुस्लिम महिलाओं को धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। नहीं, फरीदा करने से नहीं, मैं सब जानू, ठीक है। नहीं, पैरा नहीं लगा रहा मैं, हमारी यहाँ से कट रही है मुसलमानों की, अन्नी दोनों को भिड़ा के मार दूंगा एक मिनट में, शायद जेल जाना पड़ जाएगी मुझे, समझ गई। 5-7 के ऐसे मेरे पे अगर पता हो तुझे, सुनो सुनो, गर्दन तेरी तार लूंगा, जेल जान लिया इसी मामलों में। यार बिहार पड़ी दारू खरीद रही है वहाँ मार्केट में, मुसलमान में मेरे सामने बेइज्जती हो रही है वहाँ, हिंदुओं के सामने यार, वहाँ खड़ी रहे बुरखे के सामने दारू इनके, उसमें वीडियो बना रखी इनकी, 3 आदमी कहाँ की हो आप, मतलब क्या मजबूरी है,
तो मतलब तुम शराब खरीदोगी का दुकान पे मार्केट के अंदर? शराब कहाँ खरीदोगे? और है नहीं बैग में इसमें है। इधर कौशाम्बी में बारातियों के साथ मारपीट हो गई। घरातियों ने बारातियों को जमकर पीटा। मारपीट में दुल्हे का भाई और भतीजा समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। डीजे बैंड में आग लगा दी, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। करारी थाना क्षेत्र की घटना है। केस दर्ज करके अब पुलिस जांच में जुट चुकी है। डीजे बैंड में भी आग लगा दी और जमकर मारपीट काफी देर तक होती रही। कौशाम्बी का ये पूरा मामला, घरातियों और बारातियों में मारपीट हो गई जिसमें घरातियों ने बारातियों को जमकर पीटा। करारी थाना क्षेत्र की घटना है। हालांकि पुलिस केस दर्ज करके आगे की जांच कर रही है। आपको बता दें इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं और मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और जो मौके पर मौजूद गाड़ियां थी उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकारी जमीन पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला हरिद्वार का है जहां बहादुराबाद थाना क्षेत्र की गंगनहर पटरी पर बनी अवैध मजार को जिला प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। वही मजार हटाने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। बाद में हंगामा बढ़ता देख मामले को शांत कराने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। एसडीएम ने बताया कि कोर्ट और शासन के सख्त दिशा निर्देशों के बाद भी प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री जी और शासन के आदेशों के क्रम में जितना भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसको रिमूव करने की कार्रवाई की जा रही है। तो उसमें जो लोगों के आवागमन के रास्ते हैं और उस पर भी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा पर्सनल उद्देश्यों के लिए कोई धार्मिक स्ट्रक्चर बना लिया गया है या सभी धर्म के जो भी चीज़ें आ रही हैं और जिससे कि लोगों को आवागमन में प्रॉब्लम हो रही है। ललितपुर में भीम आर्मी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया है। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई का बवाल। अंबेडकर पार्क से एसपी कार्यालय तक भीम आर्मी सेना के लोग पहुंचे। भीम आर्मी के सदस्यों ने पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ललितपुर के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मौके पर किस तरीके से हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए पुलिस की मौजूदगी में जो लोग थे वो जमकर हंगामा करते हुए नजर आए। भीम आर्मी सेना का ये प्रदर्शन, कार्यकर्ता पर कार्रवाई के खिलाफ हंगामा आज देखने का मिला। भीम आर्मी सेना के जो लोग थे उन्होंने इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाए, प्रदर्शन किया इसे लेकर और सदस्यों ने पुलिस अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा। ललितपुर के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र का। इधर महोबा में सब्जी फल की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से सब्जी विक्रेता की दुकान जलकर राख हो गई है। आग लगने से इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। फायर ब्रिगेड के सहारे हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। कुल पहाड़ कोतवाली क्षेत्र के जैतपुर गल्ला मंडी की घटना है। मौके की तस्वीरें और आप देखिए किस तरीके से अचानक से आग लगी। सब्जी फल की दुकान में भीषण आग लगी। पीछे से निकला करो। काफी नुकसान इससे हुआ। कुल पहाड़ कोतवाली क्षेत्र के जैतपुर गल्ला मंडी की घटना बताई जा रही है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। इधर फिरोजाबाद में ग्लास एक्सपोर्ट फैक्ट्री में आग लग गई। आग में जलकर लाखों की संपत्ति राख हो गई है। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया है। आसपास के लोगों को घरों से बाहर निकाला गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिरोजाबाद से तस्वीरें जहां अचानक से आज इस ग्लास एक्सपोर्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगी। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और समय रहते फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। आसपास के जो घर थे वहां से लोगों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। आशंका यही जताई जा रही है कि वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। हालांकि जांच का विषय है लेकिन राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया। आगरा में दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि हत्या के मामलों में गवाहों को धमकी दे रहे हैं। इसका वीडियो सामने आया है और वीडियो में दिख रहा है कि कैसे दो स्कूटर सवारों ने गवाहों को धमकी दी फिर फायरिंग की। दरअसल पिछले साल जुलाई में TRS मॉल के मालिक राजीव गुप्ता की हत्या उनके पार्टनर रहे अशोक तोमर ने की, जो कि अभी फिलहाल जेल में बंद हैं। लेकिन हत्यारे अशोक का भाई सुनील लगातार गवाह और मृतक राजीव के बेटे को धमकी दे रहा है और दबाव बना रहा है।
मामले की गंभीरता देखते हुए थाना जगदीशपुर पुलिस ने मृतक राजीव गुप्ता के बेटे ऋषभ को गनर उपलब्ध करा दिया और धमकी देने के आरोप में सुनील और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। घटना के बाद उन्होंने जो तहरीर दी उसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और मुकदमा संगीन धाराओं में पंजीकृत किया गया है। 195A आदवी में भी पंजीकृत किया गया है और जो कोई भी ऐसा कर रहा है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी ताकि वो निष्पक्ष होकर अपना भयमुक्त माहौल में अपनी गवाही दे सके। आगरा में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि हत्या जैसे संगीन अपराध से जुड़े मामले के जो गवाह हैं उनको भी डराने धमकाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ताज़ा मामला TRS मॉल के मालिक राजीव गुप्ता हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। उसमें जो अहम गवाह हैं अशोक कुमार, उनको पिछले दिनों जो हत्यारोपी हैं उनके पक्ष की तरफ से धमकी दी गई है। इसके साथ ही CCTV कैमरे में वो पूरी घटना कैद हुई है जिसमें दो अज्ञात युवक ओपन फायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है, मुकदमा पंजीकृत हुआ है। दरअसल जुलाई 2022 में TRS मॉल के मालिक राजीव गुप्ता की हत्या कर दी गई थी और आरोप उनके ही पार्टनर अशोक तोमर पर लगा जो इस समय जेल में है और उनके भाई पर इस बार आरोप लग रहा है सुनील तोमर पर कि वो लगातार गवाह अशोक कुमार को धमका रहे हैं। हमारे साथ ऋषभ गुप्ता हैं जो पीड़ित हैं, उनके पिता की हत्या की गई थी। आप बताइए ये घटना एग्जैक्ट किस दिन की है, क्या टाइमिंग रही होगी और किस किस तरीके से लगातार वो आपके जो चश्मदीद गवाह हैं उनको प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे हैं, डराने धमकाने में लगे। सर पहले उन्होंने नवंबर में मारपीट करी आके इससे 20 थप्पड़ मारे, उसकी भी CCTV फुटेज है, उसमें सुनील तोमर जेल गए। फिर एक महीने बाद उनकी बेल हो गई, मुकदमा भी विचाराधीन है, कोर्ट में चल रहा है। अब 6 जून को दो लड़के आते हैं अज्ञात, फायरिंग करते हैं अशोक कुशवाहा से, मालिक गवाही के लिए डराते धमकाते हैं और फायर करते हुए चले जाते हैं। आगरा से कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ नितिन उपाध्याय, ABP। धर्मांतरण के मुद्दे पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा का ऐलान, किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। मदरसों से लेकर दारुल इफ्ता तक को दी गई है जानकारी और लव जिहाद के मामलों में भी धर्मांतरण नहीं होगा। मुसलमानों के खिलाफ नफरत के लिए RSS या भाजपा दोषी नहीं है, ये बड़ा बयान। धर्मांतरण के मुद्दे पर मौलाना तौकीर रजा ने यह बड़ा ऐलान किया है। खिलाना और गेम खिलाने के बाद जानबूझ करके गेम, ऑनलाइन जो गेम जानबूझ करके गेम हारना और फिर कहना कि कुरान पढ़ोगे तो फिर ये आप इस गेम में जीत जाओगे, ऐसी बातें सामने आई हैं। पुलिस की जांच पड़ताल है। हमारे यहाँ इस किस्म का ये काम कौन करेगा? जो इंटरनेट पर बैठकर गेम खेल रहा है या जुआ खेल रहा है वो ये काम करेगा? ये काम उलमा का है, तबलीगी दीन का काम उलमा का है और उलमा के लिए ख़ास तौर से तमाम लोगों ने ये मुत्तहिदा फैसला किया है कि जब तक मुसलमान को सही और सच्चा मुसलमान ना बना ले, किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। और लव के नाम पर या दूसरे मामले में कोई हिंदू से मुसलमान होता है, लड़की या लड़का, तो उसको इस्लाम में दाखिल करने की इजाज़त नहीं है। ये आप कह रहे हैं मतलब हमारे यहाँ पाबंदी लगाई, ये पाबंदी लगा दी है, मतलब ये है कि अगर कोई जो ये लव जिहाद के मामला होता है, कोई लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, ये BJP वालों के। अगर इंटरफेथ मैरिज की बात कर लें हम, तो उसमें भी दाखिला इस्लाम में नहीं हो पाएगा? ना, कतई नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं हो पाएगा? ये एक तो ये कि लिव इन जैसा है ये सख्त हराम है, किसी कीमत पर इसे कबूल नहीं किया जा सकता। अगर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट में निकल, हिंदू समाज को कबूल करना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान की सभ्यता के खिलाफ है ये काम। निखिल रस्तोगी के साथ अभिषेक उपाध्याय, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। भाजपा के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने आज काशी क्षेत्र में 4 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यक्रम संयोजकों की बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी की ओर से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की। साथ ही बैठक में आगामी रैलियों और कार्यक्रमों की योजना पर भी चर्चा हुई। काशी के क्षेत्रीय कार्यालय में हुई बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने सभी लोकसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान आगामी लोकसभा चुनाव भाजपा की नींव को मजबूत करेगा।
और इसी खबर के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।